धार शहर में बीते 14 नवंबर को गुलमोहर कॉलोनी निवासी जाकिर हुसैन उर्फ भाई भीम की सनसनीखेज हत्या मामले में पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर मामले में खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार गुलमोहर कॉलोनी निवासी शकील पिता खलील एवं भाई भीम के मध्य मकान निर्माण को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर दोनों पर थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध हुआ था। शकील इस झगड़े को लेकर भाई भीम से रंजिश रखने लगा था तथा उसे जान से मारने की प्लानिंग करने लगा, जिसके चलते शहर के नामी भाजपा के पूर्व पार्षद बाला भगवान, जिसके भी भाई भीम से पुराने विवाद थे, एवं उसके दोस्त जफर, रिश्तेदार अरशद, अरबाज, सद्दाम को शामिल कर भाई भीम की हत्या की प्लानिंग की, एवं बाला भगवान ने शकील को भाई भीम की हत्या करने के एवज में आर्थिक मदद 50,000 देते हुए उसे इस मामले से बचाने का भी आश्वासन दिया था, जिसके बाद से शकील अपने भाई अरबाज को भाई भीम की रेकी करने के लिए लगाया और लोकेशन पर लगातार निगाह रखते रहे। इस दौरान शकील द्वारा घटना में उपयोग की गई देसी पिस्तौल की भी टेस्टिंग अरशद के साथ की गई थी। वहीं काफ़ी दिनों तक रेकी करने के बाद शकील व अरशद ने उक्त घटना को अंजाम देते हुए मौका देखकर भाई भीम पर 3 गोलियां चलाई, जिससे उपचार के दौरान भाई भीम की मौत हो गई थी। वहीं पूरे घटनाक्रम में पुलिस के अनुसार मुख्य साजिशकर्ता बाला भगवान के भाई भीम से विवाद थे, जिसके चलते वह शकील व उसके साथियों को संरक्षण देकर बाला भगवान भी उक्त हत्याकांड में लग गया था। घटना के बाद आरोपियों ने अपने मोबाइल बंद करके फरार हो गए थे। वहीं पुलिस ने साइबर टीम की मदद से मुख्य आरोपी शकील अरशद अरबाज निवासी गांधी कॉलोनी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में प्रयुक्त देसी पिस्तौल को भी जब्त किया गया। इस दौरान आरोपियों को साजिशकर्ता बाला भगवान से प्राप्त नकदी को भी पुलिस ने जब्त किया है। मुख्य आरोपी शकील पिता खलील थाना कोतवाली धार में सूचीबद्ध गुंडा भी है, जिसके विरुद्ध 5 प्रकरण पूर्व से दर्ज हैं। पूर्व मामले का खुलासा जिला पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने एक प्रेस वार्ता में किया है। आज धार पुलिस सभागृह में 8 तारीख को 8 दिसंबर को जो घटना हुई थी गुलमोहर कॉलोनी में, जिसमें एक व्यक्ति भीम भाई नाम के व्यक्ति को दो लोगों ने मोटरसाइकिल पर आके गोली मारी थी और जिससे उनकी डेथ हो गई थी, उस पूरे प्रकरण में हमारी टीम, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी देवेंद्र पाटीदार, सीएसपी देवेंद्र ध्रुवे, टीआई समीर पाटीदार और कोतवाली की पूरी टीम इसमें क्राइम की टीम के साथ काम कर रही थी, जिसमें पुलिस ने आज 4 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें मेन अक्यूज्ड शकील, बाला, अरशद और अरबाज हैं और 2 आरोपी जाफर और सद्दाम अभी फरार हैं। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त पिस्टल, मोटरसाइकिल और कुछ पैसे रिकवर किए हैं। सर, ये हत्या क्यों की गई और किस प्रकार से प्लान किया गया? देखिए, करीब 1 महीना पहले इनका झगड़ा हुआ था, शकील और भीम भाई का। उसके अलावा बाला भगवान और इनका जो पूरा ग्रुप है, जिसमें ये सभी आरोपी जिनका मैंने नाम बताया है, ये सब लोगों ने मिलकर प्लानिंग की, जिसमें हथियार खरीदने के पैसे बाला भगवान द्वारा दिए गए और प्लानिंग के तहत इन्होंने रेकी करके और 8 तारीख को ये घटना करी थी। सर, बाला ने किस प्रकार से पूरे प्रोग्राम में प्लानिंग की थी? देखिए, इनके पुराने झगड़े थे और पैसे से पूरे इस घटना को स्पॉन्सर करके, और इन लोगों की लगातार जो है घटना से पहले और बाद में बात होती रही, और इन लोगों ने पूरा प्लान करके बाला भगवान का जो एक गोडाउन है वहाँ पर ये प्लानिंग की गई, और कई बार 3-4 दिन से लगातार रेकी करके इन्होंने फायरिंग की भी प्रैक्टिस की और उसके बाद ये घटना को 8 तारीख को अंजाम दिया। इसमें से कई आरोपी पूर्व में भी आरोपी? देखिए, कई लोगों का पूर्व में रिकॉर्ड है और शकील जो है वो लिस्टेड गुंडा है, जिसका घर भी पुलिस ने और प्रशासन की जो टीम है उन्होंने मिलकर तोड़वाया।